आज का ये आयोजन इसी संकल्प का हिस्सा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमारी थल सेवाओं के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, यही तो भारत की शक्ति है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए, हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा, हमने एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है और आज मैं अपनी तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएगी। हमारी सेनाओं ने इन हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। 10 वर्ष में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है और इसमें हमारे नौजवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 150 से ज्यादा नए डिफेंस स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इनको हमारी सेनाओं ने 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का निर्णय लिया है। साथियों,
रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत, सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं, आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है, अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कितने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था, आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साथियों, आजादी के बाद से एक दुर्भाग्य यह रहा कि जिन्होंने दशकों पर देश पर शासन किया वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। हालत ये थी कि आजादी के बाद देश का पहला बड़ा घोटाला सेना में खरीद के दौरान ही हुआ। उन्होंने जानबूझकर भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। आप जरा 2014 से पहले की स्थिति याद कीजिए, तब क्या चर्चा होती थी। तब रक्षा सौदों में घोटालों की चर्चा होती थी, दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदों की चर्चा होती थी। सेना के पास इतने दिनों का गोला बारूद बचा है, ऐसी चिंताएं सामने आती थी। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था, हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया, उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला, उन्होंने HAL को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था, हमने HAL को रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया, उन्होंने करगिल युद्ध के बाद भी CDS जैसे पद के गठन की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, हमने इसको जमीन पर उतारा। वो दशकों तक हमारे वीर बलिदानी सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बना पाए, ये कर्तव्य भी हमारी ही सरकार ने पूरा किया। पहले की सरकार तो हमारी सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से भी डरती थी, लेकिन आज देखिए
एक से एक आधुनिक रोड, आधुनिक टनल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है ये हमारे सैनिक परिवारों ने भी अनुभव किया। आप याद कीजिए, चार दशकों तक ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। इसका फायदा मैं आज जब राजस्थान में आया हूं तो मैं बताता हूं, राजस्थान के भी 2.25 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है, उन्हें ओआरओपी के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने, तो हमारा सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा और भारत को 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। इस विश्वास के साथ भारत शक्ति के सफल आयोजन की फिर से एक बार मैं आप सबको और तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त प्रयास को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं।